सोवियत संघ के विघटन का घटनाक्रम। सोवियत संघ के विघटन का घटनाक्रम, इसका क्या अर्थ? यानी जो विघटन हुआ, थोड़ा सा हम उसको एक बड़े त्वरित गति से इस विघटन को क्रमबद्ध तरीके से थोड़ा समझ लें, यह बहुत जरूरी है। क्योंकि इस अध्याय का जो शीर्षक है, दो ध्रुवीयता का अंत, वो दो ध्रुवीयता का अंत का अर्थ ये हुआ कि इनमें से जो एक ध्रुव था, जिसका नाम था सोवियत संघ, वह कैसे टूटा। तो चलिए अब हम थोड़ा चलते हैं तेजी से कि विघटन का घटनाक्रम कैसे बढ़ा। सर्वप्रथम मार्च 1985 में गॉर्बचेव महासचिव बने, येल्सिन को रूस की पार्टी का मुखिया बनाया और सोवियत संघ में सुधारों की श्रृंखला शुरू की। यह है मार्च 1985, और यहीं से दो ध्रुवीयता के अंत की दास्तान शुरू होती है। वो कहानी शुरू होती है, वो इतिहास शुरू होता है जिसने पूरे विश्व को झकझोर रख दिया अगले 5 वर्ष बाद और एक ध्रुवीय बना दिया। 1988 में सोवियत संघ के ही हिस्से लिथुआनिया में आजादी के लिए आंदोलन शुरू हुआ। तो वह पहला राज्य, वह पहला क्षेत्र सोवियत संघ का कौन सा था जिसने स्वतंत्रता के आंदोलन की बात की, जिसने आजादी की बात की? वह था लिथुआनिया। लिथुआनिया के बाद दो अन्य हिस्से, एस्टोनिया और लात्विया ने भी ये आंदोलन शुरू किया। वहां भी आंदोलन फैलता गया और बढ़ता गया। ये घटना है 1988 की। अक्टूबर 1989 में सोवियत संघ ने घोषणा की कि वॉर्सो पैक्ट के सदस्य अपना भविष्य तय करने के लिए स्वतंत्र हैं। वॉर्सो पैक्ट क्या है, इसका जिक्र पूर्व के अध्याय में, इसके पहले के अध्याय में हो चुका है, समझाया गया है, फिर भी यहां थोड़ा सा पुनरावृत्ति के लिए आपको बता दें। वॉर्सो जो है वह पोलैंड की राजधानी है। देखिए पोलैंड कहां, पोलैंड उन दिनों सोवियत संघ के गुट में शामिल था। जैसा मैंने बताया कि यूरोप, पश्चिमी यूरोप के पश्चिम भाग के जो देश हैं वो अमेरिका की तरफ थे, और यूरोप के पश्चिम भाग के पूर्व के कुछ देश जिनमें बल्गारिया और ये सब शामिल है, बलकान के देश, ये लोग रूस की तरफ झुके हुए थे। अब यहां पर क्या हुआ कि इन दोनों गुटों में जो तनातनी हुई, तनाव हुआ, रूस, सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में जो तनाव चल रहा था, तो इन तनाव ने एक तरीके से सैनिक समझौतों का रूप ले लिया। अमेरिका जो एक गुट का नेता था और या अपने को नेता मानता था, और उस गुट के अन्य देश अमेरिका की ओर जहां झुकाव रखते थे, उसने अपने मित्र देशों के साथ एक सैनिक संधियां की। सैनिक संधि, याद रखेंगे, ये संधि थी सैनिक संधि। सैनिक संधि का अर्थ क्या है कि अमेरिका ने इन मित्र राष्ट्रों के साथ जो समझौता किया, उसमें उसने कहा कि यदि हम में से, चाहे वो आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे अमेरिका के अन्य मित्र राष्ट्र हो, इनमें से किसी एक पर भी किसी ने भी हमला किया, तो वह हमला हम सब पर हुआ हमला माना जाएगा, और कार्रवाई, प्रतिक्रियात्मक कार्रवाई उसी अनुसार होगी। दूसरे शब्दों में, किसी एक देश पर हुए हमले को इस गुट के सभी देश अपने पर हुआ हमला मानते हुए उसका जवाब देंगे। ये किस देश के हमले की शंका थी, सोवियत संघ या उसके गुट के देशों? इसमें यह भी था कि एक दूसरे को सैन्य मदद करेंगे,
एक दूसरे, यदि इंग्लैंड पर कोई देश हमला करता है तो इंग्लैंड को उस गुट में शामिल सभी देश मदद करेंगे। ये जो गुट था, यह गुट कहलाता है पहली दुनिया का गुट, जिसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा था। पहली दुनिया का गुट, इसे पहली दुनिया कहते हैं, और इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? यूएसए। याद रखेंगे, अमेरिका का अर्थ यहां पर बारंबार मैं स्पष्ट कर दूं, संयुक्त राज्य अमेरिका है। अमेरिका का अर्थ यहां उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप नहीं है। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से यहां तात्पर्य अमेरिका नहीं है। अमेरिका का अर्थ है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने जो अपने मित्र राष्ट्रों के साथ सैनिक संधियां बहुत सारी की, और एक ऐसी संधि भी की जिसमें ये सभी देश शामिल हुए, अमेरिका के सभी सहयोगी देश। इस संधि को कहते हैं NATO, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, NATO। इस और शॉर्ट में इसे कहते हैं नेटो, जैसा मैंने पहले बताया। ये नेटो जो है, ये सैनिक संधि थी अमेरिकी गुट की, या प्रथम दुनिया की। इसके जवाब में सोवियत संघ ने भी एक गुट बनाया, और उस गुट का जो मुख्यालय है वह था पोलैंड की राजधानी वॉर्सो में। इसीलिए इस गुट का नाम दिया गया, इस गुट में जो सैनिक संधि हुई उसका नाम दिया गया वॉर्सो पैक्ट, पैक्ट यानी समझौता। वॉर्सो नाम की जगह पर सोवियत संघ के मित्र राष्ट्र और सोवियत संघ, उन्होंने मिलकर लगभग उसी ढंग की संधि की जैसी अमेरिका ने नाटो के तहत अपने दोस्तों के साथ की थी, यानी ये भी सैनिक संधि हुई। रूस ने भी ऐसा वादा किया अपने मित्र राष्ट्रों को कि हम में से किसी भी एक पर हुए हमले को हम सब पर हुआ हमला मानते हुए हम लोग एक साथ मिलकर प्रतिक्रियात्मक कार्रवाई करेंगे। तो ये बात स्पष्ट हो गई कि वॉर्सो पैक्ट क्या है, क्योंकि यह समझौता वॉर्सो में हुआ था जो पोलैंड की राजधानी है, इसे वॉर्सो पैक्ट कहा जाता है। तो अब हम अपने बात पर वापस चलें कि वॉर्सो पैक्ट के सदस्य अब अपना भविष्य तय करने के लिए स्वतंत्र हैं, ऐसी घोषणा अक्टूबर 1989 में की गई। पहले लोग स्वतंत्र नहीं थे, पहले एक तरीके से इनको दबाव बनाकर, धमकी देकर इनको अपने गुट में लिया जाता था। इनमें से अधिकतर देश अपने मन से इन गुटों में शामिल नहीं हुए, बल्कि अमेरिकी गुट में शामिल बहुत से देश अमेरिका के भय से शामिल हुए, रूस के भय से शामिल हुए कि रूस यदि हमला करेगा तो कम से कम अमेरिका की शरण तो मिलेगी, मदद तो मिलेगी। उसी प्रकार वॉर्सो पैक्ट में भी यही समझौता था इसी तरह का, और उसमें यह था कि एक दूसरे को सैन्य मदद किसी तीसरे देश के द्वारा हमला किए जाने पर सैन्य मदद दी जाएगी, मिलेगी। लेकिन अब 1989 में वॉर्सो पैक्ट में घोषणा हुई कि इसके जो भी सदस्य राष्ट्र हैं वो यदि चाहें तो स्वतंत्र हो सकते हैं और अपना रास्ता, अलग रास्ता अख्तियार कर सकते हैं। ये घटना है अक्टूबर 89 की। नवंबर में क्या हुआ? नवंबर 89 में, थोड़ा सा याद रखेंगे, 1989 नवंबर 89 में वॉर्सो पैक्ट के सदस्यों को इस बात की छूट दे दी गई कि वे अपना भविष्य खुद तय करें, और यदि चाहते हैं तो वॉर्सो पैक्ट में बने रहें और या उससे अलग हो जाएं। नवंबर 89 में बर्लिन की दीवार गिरी। आखिर इसके मायने क्या हैं? ये जो वॉर्सो पैक्ट में जो छूट दी गई और जो बर्लिन की दीवार गिरी, इसके मायने क्या है? पहली बात तो वॉर्सो पैक्ट के सदस्यों को भविष्य तय करने के लिए जब अनुमति दी गई तो बहुत से लोग इसमें से, जैसा मैंने पहले बताया, पश्चिम की ओर झुके,
पश्चिमी यूरोप की ओर झुके, यानी एक तरीके से लोकतांत्रिक बनने का प्रयास किया, यानी पूर्व में जो समाजवादी देश थे, पूर्व में जो तानाशाही देश थे, अब वे तुरंत मौका ताड़ते ही अब वे लोकतांत्रिक व्यवस्था की ओर मुखातिर होने लगे। अगली घटना सोवियत संघ के विघटन को लेकर फरवरी 1990 की है। फरवरी 1990 की यह घटना क्या है? सोवियत संघ ने, जहां गोर्बचेव अभी मुखिया थे, राष्ट्रपति थे, वहां गोर्बचेव ने बहती हुई बयार, लोकतंत्र की बढ़ती और बहती बयार को समझने पर एक इशारा समझ लिया और सोवियत संघ की जो संसद है, जिसे ड्यूमा कहते हैं, क्या कहते हैं, ड्यूमा, वहां पर चुनाव के लिए बहुदलीय राजनीति की शुरुआत की, यानी लोगों को स्वतंत्र कर दिया कि वे पार्टियां, नई राजनीतिक पार्टियां स्थापित कर सकते हैं और चुनाव की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। तो फरवरी 1990 में गोर्बचेव ने सोवियत ड्यूमा के चुनाव के लिए बहुदलीय राजनीति की शुरुआत की। सोवियत सत्ता पर कम्युनिस्ट पार्टी का 72 वर्ष पुराना एकाधिकार समाप्त हो गया। ये एक बहुत बड़ी घटना थी। जैसे ही बहुदलीय राजनीति की घोषणा हुई, बहुत से लोगों ने अन्य दलों की स्थापना की या अन्य दलों में चले गए, उसमें शामिल हो गए और उसमें मुखर हो गए। परिणाम क्या हुआ कि कम्युनिस्ट पार्टी, जिसका अभी तक 72 साल तक एक छत्र साम्राज्य था, अब वह नहीं रहा और अब उसे अन्य पार्टियों के साथ चुनाव की प्रक्रिया में शामिल होना पड़ा और कम्युनिस्ट पार्टी का एकाधिकार, 72 साल से चला रहा एकाधिकार, 72 साल बहुत लंबा काल होता है, इस पे उन्होंने यह समाप्त कर दिया गोर्बचेव ने, और संसद के चुनाव में अन्य पार्टियों को भी यह छूट दी कि वे चुनाव में भाग ले सकते हैं। फरवरी 1990 के इस घोषणा के 2 माह बाद ही मात्र एक बहुत बड़ी घटना हुई, जिसे हम टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं, और यह घटना थी रूसी संसद के द्वारा स्वतंत्रता घोषित किया जाना। देखिए, रूस कितना बड़ा हिस्सा है नक्शे में सोवियत संघ का। सोवियत संघ के विघटन के बाद भी रूस का क्षेत्रफल उसका जो काफी बड़ा था, वहां की संसद ने स्वतंत्रता घोषित कर दी। सबसे पहले तो लिथुआनिया ने घोषित की थी आजादी की, अब यहां पर रूस सामने आ खड़ा हुआ, जो सोवियत संघ का सबसे बड़ा राज्य था, और रूस के द्वारा स्वतंत्रता की घोषणा किया जाना एक बहुत बड़ी घटना साबित हुई, एक ऐसी घटना जिसको अब वापस नहीं लिया जा सकता था, वापस पीछे मुड़ के नहीं देखा जा सकता था, उसे अब रोका नहीं, स्वतंत्रता को अब या विघटन को अब रोका नहीं जा सकता था। जिस घटना को हम विघटन कह रहे हैं, दूसरे शब्दों में देखा जाए तो उन देशों के लिए ये विघटन ना होकर उन देशों के लिए ये स्वतंत्रता की घटना थी। तो स्वतंत्रता की घटना थी ये, लेकिन हमारे लिए सोवियत संघ का टूटना, उस दृष्टि से, उस नजरिए से हम इस अध्याय को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जहां जून 90 में सोवियत संघ में रूसी संसद ने स्वतंत्रता घोषित की, वहीं मार्च 90 में लिथुआनिया स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला पहला सोवियत गणराज्य बना। ये शब्द याद रखेंगे, स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला पहला गणराज्य लिथुआनिया। इससे पूर्व लिथुआनिया ने आजादी के लिए आंदोलन शुरू किया 1988 में, और आंदोलन के 2 वर्ष बाद उसने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, गणराज्य की स्थापना की घोषणा की, और इस प्रकार वह सोवियत संघ का पहला ऐसा देश बना जो
सोवियत गणराज्य कहलाया, जो गणराज्य बना। इस घटना के एक वर्ष के बाद, लिथुआनिया के स्वतंत्रता घोषित होने के एक वर्ष बाद, बल्कि ज्यादा जून 1991 में येल्सिन, जो अभी तक कम्युनिस्ट पार्टी में थे, गोरबाचेव के इशारों पर कार्य कर रहे थे, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। वे गोरबाचेव के प्रखर विरोधी बन गए थे, गोरबाचेव के विचारों से सहमत नहीं थे और उन्होंने भी अपना रास्ता मोड़ा और कम्युनिस्ट पार्टी से इस्तीफा दे दिया। कल्पना करिए, वह व्यक्ति जो कम्युनिस्ट पार्टी में जो बढ़ा है, पला है, पनपा है, और कम्युनिस्ट पार्टी में गोरबाचेव का जिसको वरद हस्त है, गोरबाचेव ने उसे मेयर भी बनाया था मॉस्को का, वह व्यक्ति अब कम्युनिस्ट पार्टी से इस्तीफा दे देता है। और इस्तीफा देने के बाद रूस में जहां चुनाव होते हैं, पहली बार आम चुनाव होते हैं, उस रूस में संसद के द्वारा स्वतंत्रता घोषणा के बाद के हुए आम चुनाव में बोरिस येल्सिन विजेता होते हैं और पहले चुने हुए राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेते हैं जून 1991 में। ये देखिए घटनाक्रम कैसे बढ़ता जा रहा है, कैसे सोवियत संघ टूटना शुरू हो चुका है। लिथुआनिया, उसके बाद रूस, फिर बोरिस येल्सिन का हटना, बोरिस येल्सिन द्वारा रूस के राष्ट्रपति पद की, चुने हुए राष्ट्रपति पद की शपथ लेना और गणतंत्र आदि का प्रारंभ होना। अगस्त 1991 में कम्युनिस्ट पार्टी के जो कुछ लोग थे, वो जो गोरबाचेव से खुश नहीं थे, क्योंकि उनको लगता था कि गोरबाचेव अब बहुत ज्यादा स्वतंत्रता दे रहा है, बहुत ज्यादा ढिलाई दे रहा है, ढील दे रहा है। तो अगस्त 91 में कम्युनिस्ट पार्टी के एक गुट ने गोरबाचेव के खिलाफ एक तख्ता पलट किया। तख्ता पलट यानी क्या होता है, षड्यंत्र करना और सत्ता से राष्ट्रपति को हटाना या महासचिव को हटाना और किसी और को लाना, अपने गुट के किसी व्यक्ति को लाना। ऐसा कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने प्रयास किया। जब बोरिस येल्सिन हट गए, बोरिस येल्सिन ने जब इस्तीफा दे दिया, तो गोरबाचेव के नरमपंथी विचारों से नाराज कम्युनिस्ट पार्टी के ही कुछ गरम नेताओं ने गोरबाचेव के खिलाफ असफल तख्ता पलट का प्रयास किया अगस्त 91 में। अगली घटना सितंबर की, अगले महीने की, जब सोवियत संघ के कुछ अन्य टुकड़े हुए, और देखिए एस्टोनिया, लात्विया, लिथुआनिया, ये तीनों जो बाल्टिक गणराष्ट्र थे, एक और बाल्कान गणराष्ट्रों की बात किया मैंने, अब यहां देखिए लात्विया, लिथुआनिया और एस्टोनिया, ये बाल्टिक क्षेत्र कहलाते हैं। बाल्टिक भी किसी जगह का नाम नहीं है, किसी एक विशेष जगह का नाम नहीं, बल्कि एक भौगोलिक क्षेत्र का नाम है, और ये गणराज्य बने और संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बन गए, साथ ही नाटो में शामिल हो गए। नाटो में तो खैर 2004 में ये शामिल हुए, यानी सितंबर 91 में ये गणराज्य बने, संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुए स्वतंत्र देश के नाते। अभी तक इनका कोई अस्तित्व ही नहीं था, ये लोग सोवियत संघ का हिस्सा थे। अब सितंबर 91 में ये आजाद होकर स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में, गणराज्य के रूप में, और वह भी गणराज्य के रूप में, यानी समाजवादी व्यवस्था से की विचारधारा से कोसों दूर होकर इन्होंने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता ली, उसके सदस्य बने। और आपकी जानकारी के लिए पुनः दोहरा दूं कि 2004 में इन्होंने नाटो भी ज्वाइन कर लिया, यानी अमेरिका, अमेरिकी गुट में शामिल हुए। दिसंबर 1991 सोवियत संघ की विघटन का सबसे महत्वपूर्ण काल है। सोवियत संघ की विघटन की प्रक्रिया अपने चरम पर पहुंच गई।
और सोवियत संघ के जो तीन सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र थे, रूस, बेलारूस, यूक्रेन, मैं पुनः दोहरा दूं, नक्शे में देखिए, रूस, बेलारूस, यूक्रेन, जो 1922 से सोवियत संघ का हिस्सा थे, यानी प्रारंभ से ही ये सोवियत संघ के हिस्से थे और सोवियत संघ के निर्माण में जुड़े थे। सोवियत संघ को बनाने के लिए इन्होंने जो 1922 में संधि की थी, उस संधि को इन्होंने रद्द घोषित कर दिया। इन तीन देशों ने जो सोवियत संघ का हिस्सा थे और उसका हिस्सा होने का की संधि, सोवियत संघ के निर्माण की संधि जो उन्होंने 1922 में की थी, अब उसे उन्होंने समाप्त करने का फैसला किया और स्वयं का एक नया गुट बनाया जिसे राष्ट्रकुल कहलाया। स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल, ये नए राष्ट्र का नाम नहीं है, राष्ट्रकुल यानी एक ग्रुप, राष्ट्रों का कुल बनाया, कॉमनवेल्थ जिसे हम बोल सकते हैं। तो रूस, बेलारूस और यूक्रेन 1922 से जुड़े हुए ये देश सोवियत संघ से अब स्वतंत्र हुए और दिसंबर 91 में इन्होंने स्वतंत्र होकर स्वयं एक अपना गुट बनाया तीन लोगों का। और इसमें बाद में आर्मेनिया, अजरबैजान, मल्दोवा, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान भी शामिल हो गए। तो इस प्रकार सोवियत संघ के जो अधिकतर भाग थे वे टूट टूट कर स्वतंत्र देश बन गए और स्वतंत्र देश बनने के बाद इन्होंने अलग से एक अपना गुट बना लिया। सोवियत संघ तो समाप्त हो ही चुका था, सोवियत संघ जैसा अब नाम ही नहीं बचा, इन्होंने अपना अलग गुट बना लिया जिसे हम राष्ट्रकुल कह सकते हैं। और उसमें रूस, बेलारूस और यूक्रेन के द्वारा बनाए गए इस गुट में ये देश शामिल हुए, जिनको एक बार मैं पुनः दोहरा दूं, आर्मेनिया देखिए नक्शे में, अजरबैजान, मल्दोवा, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये आठ देश एक साथ दिसंबर 91 में राष्ट्रकुल में शामिल होगा। और रूस, बेलारूस और यूक्रेन को मिलाकर अब इस राष्ट्रकुल के देशों की संख्या 11 हो गई। जॉर्जिया 1993 में इसने इसको ज्वाइन किया और इस प्रकार राष्ट्रकुल के सदस्य देशों की संख्या, जो पूर्व में सोवियत संघ का हिस्सा थे, उनकी संख्या 12 हो गई। देख लीजिए रूस नक्शे में कि सोवियत संघ किस बुरी तरह टूट चुका था। रूस जो है इनमें से एक तरीके से रूस इन टूटे हुए देशों में सबसे शक्तिशाली देश होकर ऊपर उभरा। जो सोवियत संघ से अलग हुए थे जो देश, उसमें से सबसे ताकतवर, सबसे अहम देश होते हुए उभरा। और उसका परिणाम यह हुआ कि संयुक्त राष्ट्र संघ में दिसंबर 1991 में उसे सोवियत संघ की सीट मिल गई, उसे सोवियत संघ की सीट मिल गई। तो सोवियत संघ की जो संयुक्त राष्ट्र संघ में उसको जो सीट मिली थी, संयुक्त राष्ट्र संघ में सोवियत संघ के नाम से जो एक सीट थी, अब वह हटा दी गई और उसके बदले यह कुर्सी, यह सीट, यह स्थान, यह ओहदा और उससे जुड़े हुए फायदे अब किसे दिए जाने लगे? रूस को, जिसे रशिया भी कहते हैं। और उसका मुखिया कौन था? बोरिस येल्सिन, जो स्वयं कौन थे? पूर्व में कम्युनिस्ट पार्टी के प्रखर नेता गॉर्बाचेव के बहुत निकट, जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे, गॉर्बाचेव ने उन्हें मेयर भी बनाया था मॉस्को का, वही बोरिस येल्सिन समय रहते उसने इस्तीफा दिया कम्युनिस्ट पार्टी से। और रूस के स्वतंत्र होने पर
वहां के पहले आम चुनाव में अपने को उप राष्ट्रपति पद के लिए पेश किया, चुनाव में भाग लिया और जीते और उसके बाद वहां के पहले राष्ट्रपति चुने हुए, पहले राष्ट्रपति हुए। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि सोवियत संघ में उसकी स्थापना के बाद, उसकी स्थापना हुई थी 1917 में, सोवियत संघ की स्थापना के बाद पहली बार चुनाव हुए और उस चुनाव में बोरिस यल्सिन भाग लिए और राष्ट्रपति बने। दिसंबर 91 को विघटन की अंतिम प्रक्रिया पूरी हुई। अब जैसा मैंने बताया कि किस तरीके से इतने राष्ट्र टूट टूट के अलग हो गए और सोवियत संघ बहुत थोड़ा सा बच गया, तो अंत में सोवियत संघ के जो राष्ट्रपति थे गोरबचेव, उन्होंने स्वयं ने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि अब सोवियत संघ जैसी नाम की चीज बची नहीं थी। सभी राष्ट्र अब स्वतंत्र हो चुके थे, तो जब सोवियत संघ जैसी चीज नहीं बची तो फिर उसके राष्ट्रपति होने का कोई औचित्य नहीं, जिसका अस्तित्व नहीं उसका मुखिया होने का औचित्य नहीं। तो अंततः 25 दिसंबर यानी क्रिसमस के दिन 1991 को गोरबचेव ने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया और सोवियत संघ के विघटन की ये प्रक्रिया जो 1985 में प्रारंभ हुई थी वह पूरी तरह समाप्त हो गई। विघटन की प्रक्रिया पूरी तरह यहां पे पूर्ण हुई और 15-16 नए राष्ट्रों के साथ दुनिया का नक्शा ही बदल दिया।